हेलो एंड वेलकम अगेन टू द ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म बी टू स्टडीज। मैं हूं सुनील सर, लेके आया हूं CHSL CGL मार्च में होने वाले एग्जाम्स जो है आपके, उसकी अगली सीरीज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शब्द समूह के लिए एक शब्द जिसमें बहुत सारे वर्ड आपको दिए होंगे, कंप्लीट एक सेंटेंस होगा, सेट ऑफ वर्ड होंगे या पूरा फ्रेज होगा सेट ऑफ वर्ड्स के साथ में, और उस फ्रेज के आधार पर आपको तय करना है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा ओरली, उसके बाद मैं लेक्चर को स्टार्ट करूंगा। जैसे हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब हिंदी में, पहले एक बार एक लाइन सुनेंगे, वो व्यक्ति जो प्रतिबंधित सामान को दूसरे मुल्क से अपने मुल्क लेकर आता है, वो व्यक्ति जो प्रतिबंधित सामान को दूसरे किसी देश से अपने देश में लेकर के आता है सरकार की इजाजत के खिलाफ गैरकानूनी तरीके से। उत्तर एक शब्द में, इसका इतने सारे लंबे चौड़े वाक्य का एक शब्द में उत्तर होगा, तस्कर। क्या कहेंगे उसे हम? तस्कर। इसी को अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं हम, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? ए मैन हु इलीगली कंसाइंस गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, दैट इज स्मगलर। फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर गुड्स को कंसाइन करना, शिपमेंट करना, दैट इज कॉन्ट्राबैंड एंड नॉट अलाउड बाई परव्यू ऑफ द लॉ। तो ऐसे में वो बंदा इंग्लिश में क्या कहलाएगा? स्मगलर, क्योंकि वो स्मगल करके गुड्स को अंदर लाएगा, तो एक शब्द वो तस्कर यानी कि इंग्लिश में स्मगलर कहलाएगा। आइए इसी स्लॉट में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगले एग्जाम की सीरीज में लेकर के आए बी टू स्टडीज की तरफ से ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पे। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अ पर्सन एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट। यहां से हम क्वेश्चन को देखेंगे, यूजुअल हाइट यानी कि औसत या सामान्य ऊंचाई, औसत ऊंचाई सामान्य ऊंचाई से मच बिलो, कहीं ज्यादा नीचे। तो औसत ऊंचाई से कहीं ज्यादा नीचे जो होते हैं वो हिंदी में कहलाते हैं बौने कहलाते हैं। विच माने जादूगरनी, चुड़ैल जो जादू की टोना करती है, विजार्ड जो जादूगिरी करता है, राइट, क्रीचर प्राणी को कहते हैं। ये तीनों ऑप्शन आपके क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए। आपने साइंस में ग्रेगर जॉन मेंडल का सिद्धांत पढ़ा होगा। जॉन मेंडल साहब ने मटर के पौधों पर जो प्रयोग किया था अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स को समझाने के लिए, उसमें उन्होंने कुछ मटर के पौधे क्या पाए थे? नाटे यानी कि बौने पाए थे, और औसत से सामान्य नीचे जिनकी ऊंचाई रह जाती है वो इंग्लिश में ड्वार्फ कहलाते हैं, जिनको हम बौना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, अ स्टूडेंट हु आइडली माने आलसपूर्वक या बिना किसी बहाने के, विदाउट एक्सक्यूज, एब्सेंस अनुपस्थित रह जाता है, खुद को कर देता है फ्रॉम स्कूल, स्कूल से बिना किसी बहाने के, बिना किसी कारण के या बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, वो आइडली लापरवाही पूर्वक आलसी पूर्वक स्कूल से अनुपस्थित रहने वाला बार बार बच्चा, वो इंग्लिश में क्या कहलाता है? वैग्रेंट कौन होता है? बेघर जिसका कोई घर नहीं। आइटिनरेंट जो हमेशा यात्रा पर रहता है। माइग्रेंट जो एक देश से दूसरे देश चोरी छुपे या अनुमति से या बिना अनुमति से, इलीगल है तो इलीगल माइग्रेंट, और इमिग्रेंट कहते हैं जो दूसरे देश में आते हैं, और माइग्रेंट माने जो दूसरे देश जाता है। ट्रुएंट, ये हो गया आपका, ये हो गया बहानेबाज लड़का जो स्कूल नहीं जाता है या स्कूल नहीं जाना चाहता है। तो सही जवाब हो गया सी। यहां मैं आपको बता दूं 2015 से लेकर के और 2019 तक ये तकरीबन 20 अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। 350-400 एग्जाम्स हुई है, उनमें से 20 एग्जाम्स में लगभग ये पूछा गया, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 बार आ चुकी है ये वाला क्वेश्चन। बहानेबाज लड़का या लड़की, बहानेबाज स्टूडेंट विद्यार्थी जो स्कूल से बिना किसी कारण के, सूचना के, लगभग और अनुपस्थित से पाए जाते हैं या रहते हैं, उसको इंग्लिश में ट्रुएंट कहते हैं, इसकी हिंदी मैंने लिख दी है, जिसका कोई घर नहीं वो वैग्रेंट होते हैं, और जो हमेशा यात्रा पे रहते हैं वो आइटिनरेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलेंगे, ए पर्सन एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस। अ पर्सन एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस, ऐसे में क्या होगा? ऐसे में यह होगा कि हम इसको रेजिडेंट्स को देखेंगे। रेजिडेंट का मतलब सिर्फ निवासी होता है, तो इसमें प्लांट नहीं आएगा, है ना? और एलियन में प्लांट नहीं आएगा, एलियन विदेशी होते हैं, एलियन या तो विदेशी होते हैं और या इनका ग्रह जो है वो दूसरे ग्रह के होते हैं। ऑक्यूपेंट जिसने कब्जा कर रखा है,
यानी कि ऑक्यूपेंट वो जिसने कब्जा कर रखा है, यानी कि जो रह रहा है। तो रह तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरा मकान है, मैंने आपको किराए पे दे दिया और आप चार साल से बैठे हो, किराया भी नहीं दे रहे हो, खाली भी नहीं कर रहे हो, तो आप ऑक्यूपेंट हो गए। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मूल निवासी हो गए। रेजिडेंट माने सिर्फ निवासी। आपको यहां मूल निवासी की बात पूछी जा रही है, तो मूल निवासी का एकमात्र जवाब है नेटिव। कोई भी चीज अगर नेटिव होती है, इसका मतलब वो वहां के स्थानीय इलाके की है, और स्थानीय इलाके के लिए प्लेस जो ओरिजिनली है उसके लिए आता है। अगर बाहर से कोई आया है तो वो क्या है, एलियन है, और किसी ने किसी की जमीन पर, संपत्ति पर, प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है या रह रहा है। कब्जा जरूरी नहीं है गैर कानूनी हो, वो डिपेंड करेगा आप किस सेंस में यूज करना चाहते हैं। तो वो ऑक्यूपेंट है, और मूल निवासी रेजिडेंट। मैं कहां का रेजिडेंट हूं, मैं जयपुर का रेजिडेंट हूं और मैं इंडिया का सिटीजन हूं, इंडिया का सिटीजन हूं और जयपुर का रेजिडेंट हूं। एफएम मेरा निवास स्थान जो है वो जयपुर है। नेक्स्ट स्लॉट में चलेंगे अपन। अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम, विदाउट अ सेटल्ड होम। अभी अभी आपको बता के गया हूं, वैग्रेंट माने जिसका कोई घर नहीं, तो जिसका कोई व्यवस्थित घर नहीं। विदाउट माने बिना, बिना व्यवस्थित घर के। और रेगुलर वर्क हो, वेंडर्स, वेंडर्स माने घुमंतु, जो घूमता फिरता, जो घूमता रहता है, घुमंतु जिसको कहते हैं आप, राइट। जैसे अपने एक समाज होता है ना, अपने एक समाज में गाड़ियां लोहार होते हैं, वो गाड़ी जहीं चाहे वहीं लगा के रह जाते हैं, उसी गाड़ी के नीचे खाना बना लेते हैं, गाड़ी के नीचे वो सो जाते हैं, वहीं तम्बू वम्बू लगा करके, उनका अपना कोई स्थायी निवास नहीं होता है, जिनको मंजारे भी कहते हैं, जो जगह जगह बस्ती बस्ती जाते हैं। दोस्तों थ्रूआंट अभी अभी बता के गया हूं, माइग्रेंट भी बता के गया हूं, आइटिनेंट भी बता के गया हूं, ये बता के गया था मैं आपको वैग्रेंट। वैग्रेंट का मतलब जिसका कोई स्थायी निवास ना हो और जो बस्ती बस्ती, शहर दर शहर भटकता फिरता है, रोजगार की तलाश में, काम की तलाश में काम करते रहते हैं, वो इंग्लिश में क्या कहलाते हैं, वैग्रेंट कहलाते हैं। सही जवाब क्या हो गया आपका, बी। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे अपन। अ सिलिंड्रिकल कंटेनर बल्जिंग आउट इन द मिडिल। बल्जिंग आउट, बल्जिंग आउट का मतलब है ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके और ऐसे करके, यहां से ऐसे हो जाते हैं यार, ऐसा एक वेसल होता है, तो यहां से ऐसे बल्ज किया हुआ, ये बल्जिंग है। मैं आपको इंग्लिश में डायग्राम बना के समझा रहा हूं। ये तो हो गई बल्जिंग कि इस वाले पोर्शन में आ जाए आप, और ये आपका जो है वो बल्ज, बल्ज हो जाएगा आकृति से, ठीक है। तो जैसा कि सिलिंड्रिकल होता है, तो ऐसे में ट्रेडिशनली मेड ऑफ वुडन स्टैप्स फॉर कीपिंग ऑयल। पश्चिम एशिया में, वेस्ट एशिया में खासतौर पर ऐसे चीजों का बहुत प्रयोग किया जाता है, जहां पात्र में चीजों को संग्रहित करने के लिए इस तरह का एक बर्तन बनाया जाता है। देखिए बुशल जो है वो तो माप परिमाप है, ठीक है, लिक्विड की। पिंट, बिन, टोकरी को कहते हैं। बेल जो है वो रुई की या कपड़ों की, इनकी जो गांठ होती है वो, और ये टोकरी, ये टोकरी। तो ये दो ऑप्शन तो आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए। बुशल जो है परिमाप है, पिंट या क्वार्टर में जब आप मापते हैं किसी पैक को, इंग्लिश में लिक्विड को मापते हैं गैलन में, ये उसी की एक इकाई के रूप में है। और बैरल ये हो गया वो बर्तन। सही जवाब क्या हो गया आपका, ए। कंटेनर बल्जिंग आउट इन द मिडिल और कीपिंग ऑयल और बियर, यानी कि लिक्विड को स्टोर करने के लिए, तो ये बैरल हो गया। यहां पेट्रोल और डीजल को भी आप बैरल में जमा कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ पर्सन विदाउट अ सेटल, ये तो आपको बता ही चुके हैं हम अभी। अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स। ड्रॉज यानी खींचना, प्रोड्यूसेस यानी कि मैप्स। मैप्स का मतलब हो गया आपका मानचित्र, मानचित्र बनाने वाला है ना, जो मानचित्र बनाता है। अभी जैसे मैं अगर आपको भारत का एक मानचित्र बना दूं इस तरह से, ये जैसे आप देख रहे हैं आप, तो ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं मैप ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये लेक्सिकोग्राफर है, ये तो क्या करेगा, डिक्शनरी बनाएगा, ठीक है। कोरियोग्राफर क्या बनाएगा, डांस के सीक्वेंस बनाएगा। तो नृत्य निर्देशक, कोरियोग्राफर और डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश जो बनाने वाला वो हो गया लेक्सिकोग्राफर। और कैलीग्राफर कौन होता है, जिस हैंडराइटिंग एक्सपर्ट जो होता है वो हैंडराइटिंग को बहुत अच्छी तरह से लिखना पढ़ना सिखाना बताता है, सिखाता है। जैसे कि जयपुर में भी, जैसे दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में क्लासेस चलती है कैलीग्राफी की, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग की आर्ट वाला वो हो गया बंदा कैलीग्राफर। बचा क्या, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर किससे जुड़ा हुआ है, मानचित्र से। किससे, मानचित्र से। कार्टोग्राफर क्या बनाता है, मैप बनाता है। सही जवाब आपका क्या हो गया, सही जवाब आपका हो गया बी। अभ्यर्थियों
आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर स्मार्ट बनना चाहते हैं, इजीली एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और पहली साल में अगर क्रैक करना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप एक को ना देखें जो आपका मीनिंग है। जैसे आपने कार्टोग्राफर को मैप से जोड़ लिया, अब कोरियोग्राफर की इंग्लिश सीखने की कोशिश करें। क्या? ए मैन हु प्रिपेयर्स द डांस सीक्वेंसेस, ए मैन हु प्रिपेयर्स द डांस सीक्वेंसेस इज कॉल्ड कोरियोग्राफर, एंड ए मैन हु कंपाइल्स डिक्शनरी इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर। तो ऐसे आपको इन सब वर्ड्स को अलग अलग सीखते रहना है। आइए नेक्स्ट। An enclosure to keep the birds in. Enclosure. Enclosure का मतलब अगर बड़े जीवों के लिए होगा तो बाड़ा, छोटे जीवों के लिए होगा तो पिंजरा, माफ करें पिंजरा, पिंजरा। और बहुत बड़ा अगर लेवल पे आप करना चाहते हो तो पक्षी या जंतुशाला, पक्षीशाला या जंतुशाला भी इसे कहते हैं। एनक्लोजर किसके लिए? बर्ड्स के लिए, राइट? तो यहां तो जंतु भी आ गए जी और पक्षी भी आ गए, तो जंतु पक्षी हमें चाहिए, दोनों नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? जंतु नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सिर्फ पक्षी चाहिए। स्टेबल में कौन रहते हैं? अस्तबल। अस्तबल में कौन रहते हैं? घोड़े। कौन रहते हैं? घोड़े। एपियरी, एपियरी मधुमक्खियों के लिए है, जहां आप बीज यानी कि मधुमक्खियों का पालन करते हैं। बेसिलिका क्या है? बेसिलिका एक चर्च का नाम है। बचा क्या? एवियरी, एवियरी का मतलब पक्षीशाला, पक्षियों के रहने का निवास। सही जवाब क्या हो गया आपका? सही जवाब हो गया आपका डी, एवियरी। अभी मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, आपने यहां अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, उसमें यह लिखूं कि अ प्लेस फॉर रियरिंग एंड ट्रेनिंग हॉर्सेस। किसका? हॉर्सेस। जैसे मैं हॉर्सेस बोलूंगा, घोड़े, हॉर्सेस, तो आपका जवाब क्या आ जाना चाहिए? स्टेबल आ जाना चाहिए, ठीक है। अ क्रिश्चियन चर्च, अ क्रिश्चियन चर्च अगर मैं बोलूंगा ईसाई चर्च, तो आपका जवाब ये आ जाना चाहिए। यही एक तरीका है जिससे हम क्वेश्चन को सीख सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लॉट के क्वेश्चन में चलते हैं। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टूम्बस्टोन, टूम्बस्टोन माने जो कब्र का पत्थर होता है, कब्र, कब्र होती है जैसे ईसाइयत में ये कब्र बनी हुई है, और कब्र के ऊपर यहां पर क्या लिखा होता है? यहां पर एक पत्थर होता है और जहां पर लिखा होता है बॉर्न डाइड, जन्म इतना मृत्यु इतना, फिर इसके यहां पर इसके उल्लेख होते हैं, इसके क्या होते हैं? इसके उल्लेख। और यहां पर जो है वो बंदा लेटा हुआ रहता है, यहां पर उसकी कब्र होती है, राइट? और ऐसे में इस जगह पर वो, तो इसके ऊपर, यहां आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा, कई फिल्मों में जब हीरो या हीरोइन जाते हैं अपने फूलमाला पुष्प वगैरह चढ़ाने के लिए कब्र पे, तो उसमें लिखा रहता है INRI, इस सन में जन्म, इस सन में मृत्यु, और उसके बाद दो चार लाइनें होती है। तो ऐसे टूम्बस्टोन के कब्र के ऊपर जो पत्थर होता है उस पर इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का मतलब है उस पर जो लिखाई होती है, खुदाई की होती है अक्षरों की, उस अक्षरों की जो खुदाई की होती है उसका नाम क्या है? सिंपल सी बात है, पिलर तो खंबे को कहते हैं, स्लैब केवल पत्थर, केवल वो पत्थर है, स्लैब वो केवल पत्थर है, जब आप उस पर इंस्क्रिप्शन यानी कि लेख लिख दोगे तो वो स्लैब नहीं रहेगा, फिर वो बन जाएगा एपिटाफ। बेसिलिका भी बता के गया हूं, चर्च का नाम है, और ये केवल एक पिलर या कॉलम है जिसे हम केवल खंबा कहते हैं, तो इसका लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में सही जवाब क्या हो जाएगा? एपिटाफ। ये लिटरेचर का वर्ड है, शेक्सपियर की, जॉन मिल्टन की, विलियम एलेक्जेंडर, इनकी एलेक्जेंडर पॉप की, या लॉर्ड टेनिसन की पोएम में इनका बहुत जिक्र होता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिटरेचर के सिलेबस में हम खूब पढ़ाते हैं इसे। ऐसे में आप देखेंगे कि उल्लेख किया गया पत्थर जिस पर किसी कब्र के ऊपर लिखा गया होगा उसका इंग्लिश नाम क्या कहलाएंगे? उसे इंग्लिश में हम कहेंगे एपिटाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। समवन बिलीव्स दैट पीपल कैनॉट चेंज द वे इवेंट्स विल हैपन, समवन वो जो यकीन करता हो, वो जो यकीन करता हो कि लोग नहीं सकते बदलना, वो जो यकीन करता है कि लोग बदल नहीं सकते, द वे इवेंट्स विल हैपन, कि जिंदगी में घटनाएं कैसे होगी, जो घटना होगी, घटना कैसे होगी उसको कोई बदल नहीं सकता। अर्थात ऐसे बंदे क्या होते हैं? ऐसे बंदे जो ये कहते हैं कि मेरी तकदीर में जो लिखा हुआ है इसे कोई बदल नहीं सकता, मेरे हाथ की रेखा में लिखा हुआ है इसे कोई बदल नहीं सकता, ये लोग भाग्यवादी होते हैं।
राइट, ये सिर्फ भाग्य पे भरोसा करते हैं। तो प्रॉफिट तो कौन हो गए, ये तो धर्मगुरु हो गए, सीयर सन्यासी या फकीर हो गए, फैनेटिक जो कट्टर धर्म के मानने वाले हैं, और ये हैं भाग्यवादी। इनको पुरुषार्थ से कोई लेना देना नहीं, इनको पराक्रम से कोई लेना देना ही नहीं, ये अपनी तकदीर के भरोसे जिंदा रहते हैं और मर जाते हैं। ऐसे लोगों को हम कहते हैं फैटलिस्ट। मेरा क्या होगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर मैं ये कहता हूं या आप ये कहते हैं तो आप क्या है, आप फैटलिस्ट हैं, आपको सिर्फ भाग्य पर भरोसा, इसके अलावा आप कुछ नहीं करना चाहते। अच्छी बात नहीं है, फैटलिस्ट नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए आदमी, एक्शन से भरपूर कर्म करेंगे, कर्म के हिसाब से आपको आपके फल मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। Persons living at the same time. Persons living at the same time. कलीग साथ में काम करते हैं, कॉस्मोपोलिटन वो है जो पूरी दुनिया के लोग हैं, कंपेट्रियट्स जो है वो सिटीजन होते हैं, लोगों के निवास देश के निवासी होते हैं, और कंटेम्प्ररी कौन होते हैं, सहकालीन या समकालीन। समकालीन मींस जो एक समय में एक जगह पे पैदा हुए थे। तो मैं आपको ये कह सकता हूं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि हम ये कह सकते हैं कि औरंगजेब और तुलसीदास, अगर सही है ये तो मैं इतिहास पे विवाद नहीं करता, औरंगजेब और तुलसीदास क्या थे, वो समकालीन थे, यानी कि वो कंटेम्प्ररी थे, यानी कि एक समय में वो एक समय में पैदा हुए थे। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह या औरंगजेब जो है वो समकालीन थे। तीसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मोरारजी देसाई और श्रीमती इंदिरा गांधी क्या समकालीन थे, या आइजनर जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स थे, भारत पहली बार आने वाले जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, वो और जवाहरलाल नेहरू क्या थे, कंटेम्प्ररीज थे, यानी कि समकालीन थे, एक समय में चलने वाले, पैदा हुए, रहने वाले और निवास करने वाले और जिंदगी को समय के एक दौर में जीने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, कंटेम्प्ररीज कहते हैं। सही जवाब क्या हो गया आपका, सी। नेक्स्ट स्लाइड। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, विवाद। डिस्प्यूट का मतलब विवाद, और रिजॉल्व का मतलब सुलझाना, विवाद सुलझाना। अपॉइंटेड माने नियुक्त, कौन करता है, अदालत करती है, कोर्ट। विवाद सुलझाने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति, उत्तर मध्यस्थ। सही जवाब आपका आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर की हिंदी लिखता हूं यहां पर, मध्यस्थ। आर्बिट्रेटर किसको कहते हैं, जो दो लोगों के बीच मध्यस्थता करता है, उस मध्यस्थ को हम कहते हैं आर्बिट्रेटर। और ये एक लीगल वर्ड है जिसे कोर्ट अपॉइंट करती है मोस्टली आर्बिट्रेटर को। ऐसे तो मिडिलमैन भी होता है, मीडिएटर भी होता है, लेकिन वो सामाजिक शब्द है, कम्युनिटी वर्ड है, सोशल वर्ड है। आर्बिट्रेटर कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जिसमें दो लोगों के बीच क्या होती है, मध्यस्थता होती है, और करवाने वाला कौन होता है, करवाने वाला होता है आर्बिट्रेटर। ऑडिटर जो अकाउंट्स को एग्जामिन करता है, जो पब्लिक अकाउंट्स को एग्जामिन करता है, वो कहलाता है ऑडिटर। ब्रोकर कौन होता है, जो शेयर्स की, डिवेंचर्स की या इश्यूज की जो मार्केट के अंदर सेल और परचेज का काम कराता है, वो कहलाता है ब्रोकर। और वैल्यूअर जो संपत्ति की कीमत को आंकता है, किसी मान लो बीमा कंपनी की तरफ से वैल्यूअर है, या पुरानी गाड़ी आपको बेचनी है उसकी कीमत लगाने वाला वैल्यूअर है वो। तो ये तो मूल्यकर्ता होते हैं जो मूल्यांक को निर्धारित करते हैं, मूल्य को। ये कौन होते हैं, ब्रोकर, जो किसी शेयर सिक्योरिटी या डिवेंचर, राइट, उनका लेन देन करते हैं ब्रोकर। ये ब्रोकर वो भी हो सकते हैं जो किसी प्लॉट की खरीद बेच में काम करते हैं, जरूरी शेयर का काम करें, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने वालों को भी अपन ब्रोकर कह सकते हैं, जो कमीशन एजेंट होते हैं, और ऑडिटर जो पब्लिक अकाउंट्स को एग्जामिन करते हैं। आइए नेक्स्ट स्लॉट में चलते हैं। ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स ऑफस्प्रिंग ऑफरिंग, सॉरी मैं इसको ठीक कर देता हूं, आप जरा ध्यान से सुनेंगे, मैं इसको ठीक कर देता हूं, देखिए जरा ध्यान से सुनिए। ऑफरिंग भी एक वर्ड है इंग्लिश में, ऑफरिंग का मतलब प्रसाद भी हो सकता है, ऑफरिंग का मतलब प्रस्ताव पेशकश भी हो सकती है, लेकिन यहां पर चूंकि हमारे सारे वर्ड जानवरों पक्षियों से जुड़े हैं, इसलिए हम सारे वर्ड को क्या करेंगे, उसको भी। ऑफस्प्रिंग क्या होता है, नवजात होता है, जैसे किसी घोड़े ने बच्चा दिया, घोड़े का बच्चा उसका क्या कहलाएगा, धरती पर आते ही ऑफस्प्रिंग, गाय का बछड़ा ऑफस्प्रिंग, राइट, तो ये संतानें हो जाती हैं, ठीक है। क्लच का मतलब होता है पकड़ना,
ब्रूड, ब्रूड समूह होता है, ब्रूड एक समूह होता है और नेस्ट होता है घोंसला। समूह में क्या होता है? फैमिली। फैमिली क्या है? फैमिली। फैमिली क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों इनमें से एक वर्ड भी ऐसा नहीं है जो समूह बताए सिवाय ब्रूड के। तो ब्रूड सही जवाब हो गया, ब्रूड यानी कि सी यानी कि समूह। नेक्स्ट चलेंगे अपन, लास्ट डीप मेटल पॉट यूज फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर। खुली बड़ी आग, जो खुली आग होती है जहां दावत होती है और खास करके भोजन क्या होता है सामूहिक या समाज में जो खाना बनता है, आपको पता है सामूहिक या समाज में बनने वाली दावत के लिए आपको ओपन फायर की जरूरत पड़ती है और उसमें कुकिंग यानी कि भोजन बनाने के लिए एक बर्तन रखा जाता है जो किसी धातु का होता है, वो बहुत गहरा भी होता है और बहुत बड़ा भी होता है। तो बहुत बड़ा चौड़ा गहराई में काफी और एक बड़ा सा बर्तन जिस पर खुली आंच में आग पे खाना पकाया जाता है। केटल चाय बनाने का छोटा बर्तन होता है, बैरल में आप केवल संग्रहित करते हैं लिक्विड को, स्किलेट भी एक तरह की कढ़ाई होती है मैं मानता हूं, और कार्डन भी क्या होती है? कढ़ाई होती है। अब आपके पास चुनौती किसमें है? केतली में चुनौती नहीं है और बैरल तो ड्रम की तरह होता है तो इसमें भी चुनौती नहीं है। आपके पास चुनौती या तो ये कढ़ाई है और ये कढ़ाई है, दो जवाब हो सकते हैं। लेकिन एक चक्कर आपको बताता हूं, स्किलेट जो होती है, स्किलेट जो है उसमें वो डीप नहीं होती है, स्किलेट जो है वो डीप नहीं होती है, ज्यादा गहरी नहीं होती है, ठीक है ना। गहरी नहीं होने की वजह से स्किलेट हमारा जवाब नहीं होगा। ये छोटी कढ़ाई होती है, पतली कढ़ाई होती है। आप छोटा सा एग्जांपल दूंगा आप समझ जाएंगे। आप किसी स्वीट्स की दुकान में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे किसी कन्फेक्शनर हलवाई के बाहर अगर पनीर पकौड़े या कचौरियां निकल रही है तो वो तो कढ़ाई चौड़ी होती है, नीचे तक गहरी में होती है, और जलेबी निकलती है, जलेबी निकलती है वो देखना आप, वो इतनी सी होती है और इसी गोलाई में होती है, उसके अंदर गहराई नहीं होती है। तो जलेबी निकालने वाली कढ़ाई है उसको तो आप स्किलेट कह सकते हैं, लेकिन जो अंदर डीप फ्राई करने के लिए चौड़ी और गहरी कढ़ाई होती है उसको आप कॉल्ड्रन कहते हैं। तो नतीजा आपका इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका जवाब, ठीक है। स्किलेट भी कढ़ाई होती है लेकिन ये बहुत ज्यादा गहरी नहीं होती है, समतल टाइप की होती है। नेक्स्ट प्लॉट में चलेंगे, लास्ट डीप पॉट यूज बोथ इन द ओवन एंड एज अ सर्विंग वेसल। सर्विंग वेसल माने परोसना, परोसने वाला बर्तन भी है और भट्टी पर पकाने वाला बर्तन भी है। तो सॉसपेन में सर्व नहीं कर सकते, स्किलेट में सर्व नहीं कर सकते, कॉल्ड्रन में आप सर्व नहीं कर सकते। ये है कैसरोल। कैसरोल ध्यान से सुनेंगे, आपके घर में चपाती वपाती देने के लिए जब मम्मी आती है तो वो एक डब्बा लेके आती है जिसके ऊपर एक ढक्कन भी है, उसमें गर्म भी रहती है रोटी। उस कैसरोल को आप उसमें खाने को गर्म भी कर सकते हैं और उसे ओवन पर भी यूज कर सकते हैं और इसी से आप इसको खाने को परोस भी सकते हैं। तो सही जवाब क्या हो गया आपका? बी हो गया, परोसने वाला बर्तन जो है जिसमें स्टोर भी किया जा सकता है और हीट भी किया जा सकता है, तो कैसरोल हो गया। बाकी का मैंने आपको फर्क बता दिए हैं, वो जरा आप ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट स्लॉट में चलेंगे, फ्लावर्स और लीव्स वोवन टुगेदर इन अ सर्कल फॉर प्लेसिंग ऑन अ कॉफिन और अ ग्रेव। दोस्तों यहां देखिए, कॉफिन, कॉफिन क्या है? ताबूत, ताबूत। इसमें क्या रखा जाता है? शव, शव यानी कि डेड बॉडी। क्या रखी जाती है? डेड बॉडी। ग्रेव यानी कि कब्र। अब हमें करना क्या है? हमें यह करना है कि हमें यह देखना है कि कब्र पर या ताबूत पर, या तो किसी की मौत हो जाती है बड़े राजनेता की या किसी बड़े इंसान की जो सामाजिक बहुत बड़े स्तर पर बहुत पहचान रखने वाले लोग हैं वो, या शहीद है, शहीद है जो सीमा पर शहीद हो जाते हैं वतन के लिए वो शहीद जो जवान होते हैं हमारे वो, या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, कोई चर्चित चेहरा, उसकी मौत के बाद में लोग उसे श्रद्धांजलि देने के लिए क्या करते हैं कि उसके शव के ऊपर एक गोल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर, इसमें सर्किल होता है और इसमें फूल लगे होते हैं, इस सर्किल तार में मेटल में जिसमें चारों तरफ फूल लगे होते हैं, इसे हम कहते हैं पुष्प चक्र। पुष्प चक्र ये अर्पित किए जाते हैं, ये पैरों के और जिसके बीच में रख दिए जाते हैं और वहां शोक मनाया जाता है। सर्किल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये गोलाकार होता है, तो बुके जो है वो तो गोलाकार नहीं होता, बुके तो हमेशा ऐसे आता है इस तरह से। बंच सिर्फ गुच्छा होता है। गार्लैंड आपको पता ही है, ये ऐसे माला होती है जिसमें ऐसे 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 जैसे दूल्हा दुल्हन पहनाते हैं वो माला टाइप की। अब बचा क्या? रीथ।
ये है वो पुष्प चक्र जो कि सर्कल होता है और किसी चर्चित व्यक्ति, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मौत होती है हस्ती की, या शहीद जो होते हैं उनके ताबूत पर रखे जाते हैं और ये पुष्प चक्र के रूप में अर्पित किए जाते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे 30 जनवरी को शहीद दिवस होता है तो महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो या अपने प्रधानमंत्री हो या अन्य केंद्रीय मंत्री या विपक्ष के जो नेता हैं प्रतिपक्ष के, वो उन पर पुष्प चक्र अर्पित करते हैं। तो वो न तो माला है और न ही वो बुके है, वो क्या है, वो रीथ है और इसे रखा जाता है। स्पेलिंग बदलेगी तो इसका अर्थ और बदल जाएगा। इसमें अगर आप एडिशन डिलीशन करेंगे वॉवल का तो रीथ का मतलब है दर्द से तड़पना, दर्द से तड़पना, तो वो वर्ब हो जाएगी, ये नाउन है, उसमें स्पेलिंग चेंजेस होगी जो कि आगे आपको हम सिखाएंगे, ठीक है। एक्रोनिम्स, होमोनिम्स, होमोफोन्स और उनमें। नेक्स्ट चलेंगे, अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एक ऐसा कानून जो कि प्रोहिबिटेड, सॉरी, एक ऐसा व्यवसाय जो कि कानून के द्वारा क्या है, प्रतिबंधित है। तो प्रोहिबिटेड माने वर्जित और लॉ माने विधि, विधि यानी कि कानून, कानून के द्वारा वर्जित कोई व्यापार अगर आप करोगे, कानून के द्वारा प्रतिबंधित व्यापार, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इलिसिट, यानी कि अनैतिक या गैर कानूनी। इलुसिव मतलब भ्रमित करने वाला, इनक्रेडिबल माने अतुलनीय, जिस पर भरोसा न कर सके अपना, इनेप्ट माने जो दक्ष या कुशल नहीं होते, गंदा होता है, जिसमें कुछ साफ सफाई नहीं होती, वो इनेप्ट होता है। बचा क्या, इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है गैर कानूनी, अर्थात नीति या विधि के विरुद्ध कोई काम करते हो वो आप गैर कानूनी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलिसिट के बाद अगर आप ड्रग्स लिख देते हो, इलिसिट ड्रग्स, इसका मतलब है कि हीरोइन, हशीश या ब्राउन शुगर जो है वो इलिसिट ड्रग्स है, यानी कि वो गैर कानूनी औषधि या गैर कानूनी दवा है बाजार में, जिसका आप व्यापार करने पर, प्रतिबंधित व्यापार करने पर अगर आप पकड़े गए, पाए गए, तो आपको सजा या जुर्माना भी हो सकता है। आइए अगले स्लॉट में चलते हैं। टू गिव अप द थ्रोन, थ्रोन का मतलब है सिंहासन और गिव अप का मतलब है त्याग देना, गिव अप का मतलब त्याग देना क्या, सिंहासन, सिंहासन या राज गद्दी, राज गद्दी त्याग देना। यूजर मतलब होता है हड़प लेना, हड़प लेना, जबरदस्ती किसी की जमीन या कोई संपत्ति। कंसाइन का मतलब होता है भेजना, वस्तु या व्यापार, बिक्विथ, राइट, ये एक वर्ब है। इसको आप अगर, इसका मतलब भी त्याग करना होता है, लेकिन सिंहासन का जब आप त्याग करोगे तो बिक्विथ नहीं होगा, बिक्विथ का मतलब होता है जायदाद या वसीयत से जुड़ा हुआ शब्द है, ये किससे जुड़ा हुआ, जायदाद या वसीयत से जुड़ा हुआ शब्द है, जिसको आप कहते हो कि आप अपनी विल लिखाते हो ना, आप जिनको लिगेसी कहते हैं, विरासत या, ये उससे, तो ये लीगल है, ये एक्चुअली ये राजतंत्र से जुड़ा हुआ शब्द है, एबडिकेट, यानी कि राजगद्दी का त्याग कर देना, राइट। तो ये वर्ब यहां नहीं आएगी, तो सही जवाब आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया आपका सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वन हु एम्ब्रेस, एम्ब्रेसेस यानी कि गले लगाना, गले लगाना, वो जो गले लगा लेता है किसको, वॉलेंट्री, वॉलेंट्री डेथ, वॉलेंट्री माने मर्जी से मौत, मर्जी से मौत को गले लगाने वाला, वो व्यक्ति जो मर्जी से मौत को गले लगाता है, फॉर द सेक ऑफ माने खातिर, और कंट्री माने वतन, वतन की खातिर मर्जी से मौत को गले लगाने वाला देशभक्त नहीं होता, देशभक्त जिंदा रहता है। डिप्लोमेट यानी कि राजनीतिज्ञ या कूटनीतिज्ञ, ये केवल विदेशों में भारत की चर्चा करता है, राष्ट्र की। फैनेटिक यानी कि जो कट्टर होता है धर्म के प्रति, आजकल देश में जो माहौल चल रहा है, ये ऐसे लोग हैं फैनेटिक। बचा क्या, मार्टियर, मार्टियर का मतलब शहीद, शहीद कौन होता है, जो अपने वतन की खातिर अपनी मर्जी से मौत को गले लगा देता है, सही जवाब आपका सी। नेक्स्ट स्लॉट में चलते हैं हम अपन। वन हु इज इनडिफरेंट, इनडिफरेंट माने उदासीन, उदासीन मतलब जिसको कोई लेना देना नहीं, आर्ट और कल्चर, कला और संस्कृति से जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसकी कोई रुचि नहीं है, वो क्या होता है, सिनिक माने तो सनकी, अक्खर टाइप का जो किसी पे भरोसा नहीं करता है, साइंटिस्ट माने वैज्ञानिक, फिलेंडर कौन होता है, फिलेंडर इश्कबाज, आप समझते होंगे एक अच्छा शब्द नहीं है, इश्कबाज जो लड़कियों से केवल सेक्सुअली फेवर चाहता है और बदले में उनका कोई उपकार नहीं करता, नहीं से सच्चा प्यार होता है, सच्ची मोहब्बत होती है, तो फिलेंडर तो यार होता है, इश्कबाज होता है,
सिनिक जो है अलग किस्म का बंदा, ये ऐसे में क्या होगा, ये आपका ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये फिलिस्तीन, ये उदासीन, उदासीन यानी कि जो हर चीज से बेखबर है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब ऐसे लोगों को कोई रुचि नहीं होती है, जो रुचिहीन होते हैं ना, जो रुचिहीन इंसान होते हैं, जिनका कला या संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, है ना, उसको इंग्लिश में कहते हैं फिलिस्तीन। इसका जवाब देता हूं, इसके लिए अगर आपसे यहां क्वेश्चन बनता है फिलेंडर, तो इसके लिए इंग्लिश में आ सकता है ए प्लेबॉय टाइप ऑफ पर्सन हु हैज नो कमिटमेंट फॉर ट्रू लव एंड हु इज सेक्सुअली ऑब्सेस्ड टू अदर फीमेल वीमेन, जो भी होगा उसमें। तो ये तो प्लेबॉय टाइप का बंदा हो गया, है ना, आशिक मिजाज, और ये सैनिक हो गया, और ये हो गया आपका साइंटिस्ट। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन को आपने देखा, आपने एक चीज नोटिस की होगी, ए बी सी और डी, इसमें आपका ऑप्शन मान लो अगर बी है और ये आपने कर लिया, तो कामयाबी का एक मंत्र और है कि वे ए सी और डी, इनके भी जवाब आपको आने चाहिए और इनका भी आपको आंसर आना चाहिए, इनके भी वन वर्ड के पैटर्न आने चाहिए, क्योंकि एसएससी की एक आदत है, एग्जाम में इस साल अगर ये पूछ लिया, अगले साल इसका ऊपर ले जाएंगे और इसे पूछ लेंगे, और ऐसे में आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। क्लास थी वन वर्ड की, इस पे एक यूनिट और होगी नेक्स्ट लेक्चर में, जहां मैं आपको और अगले चरण के बीस एक अच्छे कुछ लेवल के कराऊंगा। यह मैं आपको बता दूं, ये मिक्स पैटर्न में इसलिए थे क्योंकि सीएचएसएल का लेवल, एमटीएस का लेवल थोड़ा सा लो होता है और सीजीएल का लेवल थोड़ा सा अपर लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एवरेज और एक जो मीडियोकर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, एक और एक बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उनमें जो डिफरेंसेस थे वो डिफरेंसेस आपको इसमें करने पड़ते हैं। तो ऐसे में हम आपको क्या करेंगे, ऐसे में हम आपको अगर इस एक को बता रहे हैं तो आपको एक दो तीन और चार सब पर अपनी नजर रखनी चाहिए, और ऐसे में सब पर अगर आप नजर रखेंगे तो ऑब्वियसली क्या है, आपको एक पैटर्न का पता चलेगा। अभी मैं अगर आपको टेस्ट करना चाहूं, अगर आप कहें, तो मैं आपके लिए एक पैटर्न तैयार करता हूं, आप जरा ध्यान से देखेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं, टेस्ट, आपके खुद के लिए टेस्ट, राइट, एक खुद के लिए टेस्ट देता हूं, है ना, और यहां मैं लिखता हूं क्वेश्चन आपके लिए, अ क्रिश्चियन चर्च, अ क्रिश्चियन चर्च, और यहां पर अगर आपको एग्जांपल लेना हो तो मैं ऑप्शन नहीं दूंगा एबीसीडी, बिना एबीसीडी के, क्योंकि मैं ये पढ़ा के गया हूं अभी आपको, तो आपको यहां पर भरना है कि यहां क्या आएगा, और अगर आप इस वीडियो को रेफर करेंगे, रेफर करते ही आपको पता चल जाएगा कि इस जगह आपका क्या सही जवाब आएगा, तो उसको आप देखेंगे और उसको आप देख करके यहां पर आप भरेंगे। मैं आपको हिंट दे देता हूं, उसकी स्टार्टिंग बी से है और उसके लास्ट में ए आता है, ऐसे मत कर देना कि बनाना, बी और ए, आहा, बनाना, ठीक है, बनाना तो एक ट्रॉपिकल फ्रूट है, अ ट्रॉपिकल फ्रूट दैट इज कॉल्ड बनाना, आपको यहां लेना है तो आप उसको फिल करेंगे, मैंने इसे आपको पढ़ाया है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो आपके किस पे होंगे, वन वर्ड के होंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बहुत डिमांड आई है, तो उस पर मैं कुछ क्वेश्चंस की अलग से चर्चा करूंगा और वहां मैं आपको रूल्स भी पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बी टू स्टडीज की तरफ से मैं सुनील सर, और आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा था। हैव अ वंडरफुल डे।